खबर गाजीपुर से है, जहां बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय कल यानी 10 मई को लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय के नामांकन के मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। इस दौरान यूपी के मंत्री गिरीश चंद्र यादव, रविंद्र जायसवाल और दयाशंकर मिश्र दयालु भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय के नामांकन के पूर्व बीजेपी की ओर से शहर में रोड शो निकाला जाएगा। इस रोड शो में पुष्कर सिंह धामी, ब्रजेश पाठक समेत अन्य मंत्री मौजूद रहेंगे। राजकीय आईटीआई मैदान से शहर के लंका मैदान तक रोड शो होगा। शहर के लंका मैदान में बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय के समर्थन में चुनावी सभा भी होगी। सभा को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक संबोधित करेंगे। बता दें कि गाजीपुर लोकसभा सीट के लिए 1 जून को मतदान होना है। गाजीपुर सीट पर बीजेपी ने पारसनाथ राय को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो कल अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन, रोड शो और चुनावी सभा को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। नामांकन की तैयारियों को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष सुनील सिंह ने क्या कहा, सुनिए। भाजपा एवं एनडीए समर्थित प्रत्याशी आदरणीय पारसनाथ राय जी का कल प्रातःकाल 10 बजे आईटीआई स्कूल मैदान से नामांकन जुलूस चलेगा और उनका नामांकन होगा कचहरी में। तत्पश्चात इसी लंका मैदान में, जहां हम सब लोग खड़े हैं, नामांकन सभा होगी। नामांकन सभा में और नामांकन के समय उत्तराखंड के आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी सहित अपने वरिष्ठ मंत्री रविंद्र जायसवाल जी, गिरीश यादव जी, दयाशंकर मिश्र दयालु जी के साथ साथ अनेक वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी इस नामांकन में भाग लेने वाले हैं। नामांकन जुलूस भी आईटीआई स्कूल से चल करके लंका मैदान तक पहुंचेगा। इसको लेकर पार्टी की तरफ से किस तरह की तैयारियां की गई है अभी तक? पार्टी के कार्यकर्ता अत्यंत उत्साह में हैं। पार्टी को कोई विशेष तैयारी अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। गांव-गांव से कार्यकर्ता अपने बाइकों के माध्यम से, अपने व्यक्तिगत साधनों से पहुंचने वाले हैं और भारी संख्या में कार्यकर्ता आकर के कल नामांकन साथ साथ कराने वाले हैं। पुष्कर सिंह धामी का आगमन कितने बजे होगा कल? पुष्कर सिंह धामी जी 10:30 बजे अंधव एयरपोर्ट पर आ जाएंगे और पूरे कार्यक्रम में रहेंगे।